MCOM, semester 4, corporate finance, and the topic today which we are going to deal is with borrowing cost. Kya hota hai borrowing? Borrowing matlab sir borrowing. Borrowing matlab kya? Sir borrowing matlab kya hai? Aapka khud ka paisa hai ya kisi se manga hua hai? Obviously manga hua hai. Ab loans, right? Loans means borrowings. The money which you are taking from the external sources of the business may be called as borrowing, या is called as borrowings. It may be short term, it may be long term. Business को चलाने के लिए आप overdraft, CCs ले सकते हो. But when you are taking for the long term purpose, यानी कि कुछ building construction करनी है, bridge बनाना है, ये करना है, machinery acquire करनी है, foreign से आपको machinery बनाना है, you have learned foreign exchange in TY BCom semester 6. If not, आप लोग अपने चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हो इस टॉपिक का बेसिक कुछ मैंने शायद से एक हद तो सम भी किया हुआ है जस्ट टू मेक द अंडरस्टैंडिंग क्लियर राइट सो फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स यू नीड ह्यूज फंड्स एंड फॉर द सेम यू टेक इट फ्रॉम अदर सोर्सेज बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अदर कंपनी से देयर आर मेनी सोर्सेज बट देन दिस बोरोइंग्स ए मेरे को पैसा दे दिया ऐसा है क्या नो यू हैव टू कंप्लीट सम फॉर्मेलिटीज फॉर विच यू आर पेइंग द मनी You have to pay the interest every month. Right? That means borrowing, अगर मैंने 1 करोड़ की दी है तो भी उस 1 करोड़ के पीछे ऑन एन एवरेज में 50 लाख के आसपास तो इंटरेस्ट पे कर दूंगा और प्लस में 1-3 लाख में दूसरे सब फॉर्मेलिटीज के दूंगा दैट मीन्स मेरे को वो बॉर्डिंग 1 करोड़ की बॉर्डिंग टोटल कितने में पड़ रही 1 करोड़ 53 लाख में राइट सो शुड बी फाइंड दैट कॉस्ट और नो और वो 1 करोड़ 53 लाख विच आई एम पेइंग फॉर द मशीनरी विच आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट Should I capitalize it or no? How should I charge it? How should I use it? अब 1 करोड़ मैंने लिया बैंक से लोन और उसमें से मशीनरी से 20 लाख किया बट 80 लाख मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहा हूं तो दैट 1 करोड़ का इंटरेस्ट विच आई एम पेइंग 20% 10% जो भी है 10% अगर पे करते तो 10 लाख तो ऑफ दैट 10 लाख मशीनरी का कितना बिल्डिंग का कितना दैट बाइफर्केशन इज रिक्वायर्ड राइट सो फॉर द सेम वी आर स्टडिंग द borrowing cost wala topic okay let us come on the points without wasting much time kyunki beech mein explanation aane wala hai to aap log ko explanation to sunna hi hai no doubt aur beech ke points bhi dhyan se dekhne hai borrowing cost literally means the cost incurred by the business ya entity in connection with the borrowing funds barabar it may be in the form of interest or other cost incurred like finance charges and exchange difference जब भी फॉरेन से आप लोग देखते हैं एक्सचेंज डिफरेंस आता है मैंने अभी भी कहा सेमेस्टर 6 के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक सो एक्सचेंज डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ लोकल या डोमेस्टिक या होम करेंसी कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी राइट क्वालिफाइंग असेट्स अब क्वालिफाइंग असेट्स क्या है मैंने बिल्डिंग के लिए फंड लिया और बिल्डिंग पूरा कर दी क्या नहीं लोन लिया फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो रहा है उसके लिए अलग अलग चीजें आपको फॉलो राइट तो जब तक असेट बंद नहीं जाता तब तक का पे किया हुआ खर्चा वो असेट बन रहा है और उस बनने वाले असेट के पीछे हमारा ये सब बोरिंग्स हो रहा है सो दैट असेट इज नोन एज क्वालिफाइंग असेट क्लियर वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग जानना हो तो यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में हम लोगों ने Qualifying asset is the asset which takes time to get ready for its intended use or resale. However, inventories, manufacturing plants, intangible assets, power generation facilities, investment properties, these are the qualifying assets. क्योंकि इनको बनने में time लगता है. लेकिन readily stock है मेरे पास, तो क्या वो qualifying asset है? नहीं. Right? तो qualifying assets में कौन-कौन नहीं आता? वो भी जरा समझ लेते हैं हम लोग. Financial assets. इन्वेंटरीज मैन्युफैक्चरिंग इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कम टाइम में बनने वाला बड़ा पाव भी निकलूंगा पहले के जमाने में गणपति की मूर्ति मतलब कोई भी मूर्ति पर जब बनती थी तो वो बनती थी चैत्र से यानी अभी से गुड़ी पाटा से शुरू हो जाता था काम रीजन पहले की मूर्तियां मिट्टी से बनी तो मिट्टी से वो सांचे में जाएगा फिर वो सूखेगा सूखने के लिए टाइम लगेगा तो मई जून में वो लोग सुखा के रखते थे फिर जुलाई में वो लोग पॉलिश करते थे और अगस्त में वो लोग पेंट करते थे Right? So that was a part of qualifying asset. You can tell it just for the understanding sake I'm telling you. But अभी के जमाने में जहां POP आ गया अगले महीने गणपति है अब भी बनाना शुरू हाथ पैर बनाए जोड़ दिए ये करे हो क्या ब्लोअर मारा सुखा दिया कलर मार दिया सुखा दिया खत्म हुआ right? तो इतना मन तोड़ दो तो उसको क्वालिफाइंग asset आप नहीं बोल पाओगे लेकिन पहले के जमाने की जो मूर्तियां बनती थी मिट्टी की उसको
उसको आप क्वालिफाइंग एसेट बोल सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के, राइट, दिस इज टेकिंग टाइम बट नाउ इट्स नॉट टेकिंग मच टाइम, सो द स्टॉक विच इज रिक्वायरिंग लेस टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेडी टू यूज और रीसेल में एक्वायर्ड, मैंने कुछ दे दिया बेचने के लिए तैयार है, बराबर है, या यूज करने के लिए तैयार है, तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है? नो, द एसेट इज ऑलरेडी जनरेटेड, द एसेट इज ऑलरेडी मेड, राइट, आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट। आई होप इट्स क्लियर। यस, borrowing cost is capitalized when such cost is directly attributable to the acquisition, right? मैंने मशीनरी के लिए और मैंने बिल्डिंग के लिए लोन लिया हुआ, तो उसके पीछे जो भी खर्चा मैं दे रहा हूँ लोन के पीछे, वो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि उसी से ये चीज बनने वाली है। That means मेरे इस असेट का कॉस्ट बढ़ने वाला है, so I have to attribute the borrowing cost to the asset for which I have taken the borrowing, okay? Construction or production of qualifying asset as a part of the cost of total assets, right? वो जितना खर्चा होगा उतने मेरे asset का value होगा ना, उससे ज्यादा होगा बल्कि, right? But मैं उससे ज्यादा पैसा यहाँ पे qualify कर सकता, capitalize कर पाऊंगा क्या? नहीं। Borrowing जितना है उतना ही maximum capitalize हो सकता है उस asset के पीछे, बाकी अपनी जेब से डालूंगा तो asset का value और बढ़ने वाला है, right? If the borrowing cost is invested, borrowing cost is equal to interest. Paid or payable, less interest and, अब मैंने 1 करोड़ ले लिया है, right? But then, machinery का 20 लाख अब भी देना पड़ेगा, 80 लाख जो building के लिए रखा है, maybe I am needing only 30 lakhs at present, 50 lakhs I will be needing after 6 months, तो ऐसे ही use करो, वो 50 lakhs मैंने नहीं invest कर दिए, उसके ऊपर मैं अगर 8% भी interest, 6% interest कमा रहा हूँ, तो यहाँ पे 10% interest pay करना है, 50 lakhs पे 10%, 5 lakhs, and 50 lakhs पे 10%, 6%, 3 lakhs, राइट, आई बी अर्निंग, तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना बनेगा? सिर्फ 2 लाख, व्हाई? बिकॉज़ आई हैव टू पे 5, बट अगेंस्ट द एक्सपेंस ऑफ 5 आई एम गेटिंग द इनकम ऑफ 3, राइट, या अगेंस्ट द इनकम ऑफ 10 लाख आई एम गेटिंग द इनकम ऑफ 3 लाख, राइट, ओवरऑल लेना चाहे तो भी, करेक्ट, समझ में आ रहा? तो इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो विल रिड्यूस माय बोरोइंग कॉस्ट, राइट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बोरोइंग reduces the cost of borrowing, बराबर, जो भी 50,000 invest किया, कहाँ से? यही loan से, correct? Borrowing cost can be capitalized, correct? जैसे मैंने अभी भी कहा, क्या आप उसको capitalize कर सकते हो? कि कितना इस machinery के पीछे कितना, इस building के पीछे कितना? But उसके लिए कुछ procedure है, weighted average ढूंढना पड़ेगा अपने को interest का। Such capitalized value should not exceed the amount of borrowing incurred during the period. जैसे अभी मैं बताया था, मैंने 1 करोड़ लिया ना, तो असेट के पीछे मेरा बोरोइंग कॉस्ट कितना जाएगा? मैक्सिमम 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर जा ही नहीं सकता, बिकॉज आई हैव बोरोड ओनली 1 करोड़ टू कंस्ट्रक्ट द असेट, राइट, टू एक्वायर द असेट, करेक्ट। कैपिटलाइजेशन कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ इट इनकर्स द एक्सपेंसेस फॉर द असेट, राइट, जिस दिन से मैंने असेट लेना शुरू किया उस दिन से उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, इट इज द बोरोइंग, इट इनकर्स द बोरोइंग कॉस्ट, जिस दिन मैंने इंटरेस्ट पे करना शुरू कर दिया उस दिन से कैपिटलाइजेशन शुरू हो सकता है। It undertakes activities that are necessary to prepare asset for its use or resale. कोई भी काम जिससे वो asset बनने वाला है, वो मेरे borrowing cost का rate बन सकता है, तभी से मैं capitalize कर सकता हूँ, right? Capitalization of cost is normally done on the basis of weighted average rate of interest. नाम से ही पता चल रहा है, weighted average rate of interest. यानी मुझे average ढूंढना है किसका, interest के rate का, okay? So, if I'm taking 2 loans different, मैंने 20 लाख अलग से लिया था 10% के हिसाब से और 80 लाख अलग से लिया समझो 9% के हिसाब से, राइट, तो 20 लाख पे 10% 2 लाख और 80 लाख पे 9% 7,20,000 I'm paying how much? 9,20,000 but against the borrowing of how much? 1 crore, right? तो my average rate is was 9.2, समझ में क्या क्या weighted average कैसे ढूंढना है, इसका इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट प्लस अपॉन टोटल बोरिंग प्लस इनटू 100, ठीक है, और वही चीज मैं अप्लाई करूंगा। अच्छा, मशीनरी कितने की आई अब तक, क्या हुआ? 5 लाख हुआ, तो 5,9.2% आई विल गेटिंग द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ माय बोरिंग्स, ठीक है, कि इतने की मशीनरी है, टोटल 30 लाख की थी लेकिन मैंने कितने की ले, 20 लाख की, तो 20,9.2% उतनी ही उसकी कैपिटलाइज वैल्यू हो सकती है। So find the weighted average rate, अब भी बताया कैसे ढूंढना, total interest upon total borrowings into 100, you will get the weighted average percentage, find the capitalized value, the borrowings for that asset only, overall borrowings नहीं, ठीक है, upon weighted average rate,
टेक्सबुक में थोड़ा गो थ्रू कर लोगे तो आपको सम्स मिल जाएंगे. इसके छोटे छोटे सम्स ही है. दैट्स द रीजन आई एम गोइंग फास्ट एंड जस्ट एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट. कैपिटलाइजेशन सीजेस या एंड्स. अब मेरा असेट बन गया फिर भी मैं उसका खर्चा इसमें ऐड करके रहूं क्या? नहीं, असेट बन गया, बिल्डिंग बन गई ना. अब बिल्डिंग किसको लायबल है? डेप्रिसिएशन. अब मैं बिल्डिंग को क्या करूंगा? डेप्रिसिएट, बिकॉज माय असेट इज रेडी. राइट, आई कैन नॉट ऐड द इंटरेस्ट नाउ इन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बिकॉज बिल्डिंग इज ऑलरेडी डन. ठीक है, यस. तो आफ्टर द असेट इज जनरेटेड, आफ्टर द असेट इज मेड, आफ्टर द क्वालिफाइंग असेट इज कंप्लीटेड, यू कैन नॉट चार्ज द बोरिंग टू दैट पर्टिकुलर असेट. ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन सीजेस और एंड्स विद द फाइनल कंप्लीशन ऑफ द क्वालिफाइंग असेट. आई होप कि आप लोग को समझ में आया है. कमेंट किसी के नहीं आ रहे हैं वीडियो पे, यानी क्या डाउट कि आप लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो. एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सो टेक इट नाउ. यस, चलो, सी यू.